तो पापा का तो जो पूरा एक ऑरा था और एक एनवायरनमेंट था उनके चारों तरफ, वो इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता था क्योंकि कुछ न कुछ नया चलता रहता था उनकी ज़िंदगी में। कोई उनसे मिलता था, उनको नई अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी, कोई उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता था। वो कोशिश यही करते थे कि वो आदमी सेटिस्फाई होकर उनके पास में से जाए। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश के प्रति समर्पित कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने की ठान लो तो सब कुछ मुमकिन है। ये कहानी है कौशल किशोर जैन की, जिनका पूरा जीवन देश के युवाओं के बीच प्रेरणा बनकर अमर रहेगा। आज से 76 वर्ष पूर्व श्री कौशल किशोर जी का जन्म 25 सितंबर 1940 में राजस्थान में अलवर जिले के तिजारा गांव में हुआ था। जन्म से ही वो शिक्षा दीक्षा और सामाजिक सेवा में अग्रणीय थे। मैंने उनके जीवन में बचपन से ये विशेषता पाई कि वो हम सब भाइयों से कुछ हटके सब चलते थे। हालांकि मेरा खुद का जीवन भी जो है बहुत अलग रहा है, लेकिन मैंने ये देखा उनमें शुरू से बचपन से, और जब भी वो चलते थे तो अपना सीना तान करके छाती चौड़ी करके चलते थे। बचपन की उनकी ऐसी आदत थी, और वो हमने उसके आगे वाले जीवन में देखा कि वास्तव में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। देश के प्रति जागरूकता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण ही था जो उन्हें दिन प्रतिदिन प्रेरित करता था, और यही वजह थी कि सन 1956 में श्री कौशल जी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ में शामिल हो गए और देश सेवा के कार्य में पूर्ण रूप से जुड़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से वैसे तो सारा संसार परिचित है, लेकिन छोटी अवस्था में राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के और परिश्रम करने का जो संस्कार वहां से मिलता है, कौशल जी को वो बचपन में ही प्राप्त हुआ। और वैसे उनका शाखा का संबंध जयपुर से शुरू हो गया। मैंने संघ के प्रचारक के रूप में उनको उदयपुर में देखा, और संघ का जो काम रहता है नए नए लोगों से मिलना, उनको स्वयंसेवक बनाना, फिर उनको कार्यकर्ता बनाना और फिर उनको उपयुक्त काम में लगाना, ये कौशल जी का विशेष गुण था। श्री कौशल जी ने शिक्षा, सामाजिक सेवा और राजनीति जैसे संस्कारों का अर्जन राजस्थान में ही किया, और राजस्थान ही उनके जीवन के कार्य क्षेत्र का मुख्य बिंदु रहा है। देश और समाज के प्रति अपनी सेवा देते हुए हर छोटी और बड़ी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। समय निकलता गया और इसी के चलते सन 1964 में इन्हें उदयपुर नगर प्रचारक के पद पर नियुक्त किया गया, और बाद में 1966 से 1969 तक के लिए जिला प्रचारक बना दिया गया। सन 1969 में ही श्री कौशल जी ने समाज के बिगड़ते हालात और उसकी समस्याओं को परखा, और उसके हित में उच्च स्तर पर आवाज उठाने हेतु सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, और उसी वर्ष जनसंघ कार्य समिति के जन संगठन मंत्री के रूप में भी मनोनीत हुए। सन 1972 में इनके वैवाहिक जीवन की डोर श्रीमती संतोष जी के साथ जुड़ गई, और इन्होंने स्थायी रूप से उदयपुर को अपना निवास स्थान बना लिया। 1972 में हमारी शादी हुई, उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी और हम दोनों में 15 साल का डिफरेंस था। तो उस टाइम मतलब इन्होंने एकदम जनसंघ से, जनसंघ में थे ये, और जनसंघ के टाइम बस हम लोग वहाँ उदयपुर में एक छोटे से कमरे में रहते थे। आपातकाल लागू होने पर श्री कौशल किशोर जी भी कारावास की यातना से बच नहीं सके, और इन्हें जुलाई 1975 से जनवरी 1977 तक राज्य की अलवर, उदयपुर और जयपुर की जेलों में संघर्षमय जीवन बिताना पड़ा। और ये कुनाल डेढ़ साल का ही था कि इमरजेंसी लग गई 75 में और सब डिस्टर्ब हो गया। मैं 6 मंथ तो उदयपुर रही और फिर 6 मंथ जयपुर आ गई। ये 6 मंथ जयपुर आई जेल में, फिर ये 6 मंथ अलवर में रहे, फिर हम लोग अलवर मिलने गए तो हमें करीब
500 गज दूरी से हमको देखने को मिला, तो उस टाइम आप समझ सकते हो कि मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी। आपातकाल के बाद जब विपक्षी सरकार का वर्चस्व नहीं रहा, तब श्री कौशल जी ने सबसे युवा विधायक के रूप में देश और समाज के प्रति अपनी सेवाएं देने की शपथ ली। जयपुर में आई बाढ़ के बाद इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर गलता जी, जो कि राज्य की एक पवित्र जगह से नामित है, के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। कौशल जी की निस्वार्थ कार्य करने की भावना ही है कि आज 3 दशक बाद भी लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नमन करते हैं। गलता जी में 1981 में बाढ़ आई, बाढ़ में उनका दिल काफी हृदयगत, काफी उनको ठेस पहुंची और उन्होंने सबको संगठित किया, संगठित करके एक समिति बना के इसका निर्माण किया और जनता को जोड़ के, पहले भी जुड़े हुए थे बाद में उन्होंने जोड़ के इसका काफी विकास किया। सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कौशल जी के स्वभाव में शामिल था, जिसके प्रारूप सन 1981 में आई बाढ़ के बाद न केवल गलता जी बल्कि संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए चाकसू गांव के लिए समुदाय के सदस्यों की मदद से धन जुटाया और उसके नवनिर्माण के साथ साथ 70 घरों का निर्माण किया। कौशल जी ने सन 1987 में आरएसएस के सहयोग से आवासीय संस्था के रूप में केशव विद्यापीठ का गठन किया और 1988 से 2006 तक केशव विद्यापीठ को महाविद्यालय बनाने में जुट गए। विद्या भारती ने कौशल किशोर जी जैन को ये जिम्मेदारी दी, भाई शिक्षा के क्षेत्र में आप एक आवासीय विद्यालय और शुरू करो जयपुर में। तो मुझे इस बात का पता लगा यहाँ आए वो मौके पर, उस वक्त मैं नहीं मिला था लेकिन जो मैसेज छोड़ कर गए थे तब मैं उनसे मिला, मिलकर फिर तब से हम साथ साथ जुड़े। एक 88 की बात है, 10 कमरों से हमने बनाना शुरू किया जिसमें से 2 क्लासरूम और 8 कमरे। कौशल जी सामाजिक कार्य से दूर ना रह पाते, वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा सोचते रहते और इसी सोच का नतीजा सन 2007 में समक्ष आया, जब श्री कौशल जी ने अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ नागरिक संस्थान की स्थापना की, जो कि आगे चलकर राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आवाज बन गई। आपातकाल के दौरान तकरीबन हजारों लोग 18 माह के लिए जेल गए और उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा एक्ट लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सभी पत्रकार, कार्यकर्ता तथा विपक्षी दल के नेताओं को पेंशन मिलना तय किया गया था, परंतु विपक्षी सरकार के केंद्र में होने के कारण ऐसा मुमकिन ना हो सका। तब श्री कौशल किशोर जी और उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाई एवं लड़ाई लड़ी और सन 2008 में राज्य सरकार से अपना लोहा मनवा ही लिया। लेकिन सन 2009 में विपक्षी सरकार के वापस राज्य में आने से इस योजना को रद्द कर दिया गया, जिससे उनका देखा हुआ सपना पूरा ना हो सका। समय निकलता जा रहा था लेकिन श्री कौशल जी ने हिम्मत ना हारी और सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। फिर सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के फिर से सत्ता में आने के बाद इस योजना को शुरू किया गया और अप्रैल 2015 से सभी जन को पेंशन मिलना प्रारंभ हुआ। ये श्री कौशल जी की अपनी सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ी भी और जीती भी। इनकी जो इच्छा थी, इन्होंने केशवपुरा और गलता और केशव विद्यापीठ ये बनाया, हमेशा इनको इतना, इन्होंने इनके जाने से दान में जो भी पैसा मिलता था, हर आदमी सोचता था कि भाई कौशल जी आए हैं तो ये चंदा लेके ही जाएंगे, और इन्होंने हमेशा ईमानदारी से पूरा काम किया। जो भी जितना भी पैसा आया, इन्होंने 100% पैसा वहीं पे खर्च किया, जिस भी मद में आया, चाहे केशव विद्यापीठ में आया चाहे गलता में आया। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ भारत हृदय सम्राट माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, एक निवेदन के साथ, जिस भूमि पर वो पधारे हैं, एक और भगवान महावीर के चरणों में हम बैठे हैं,
भगवान पासदार के रास्ते में हम खड़े हैं, श्याम डूंगरी भगवान श्याम के चरणों में बैठे हैं और गालब ऋषि के सानिध्य में हम पले हैं। गलता से लेकर आगरा रोड तक का ये भव्य क्षेत्र आज आपके पधारने से धन्य हो गया है। आज आप सात चीजों का लोकार्पण करने पधारे हैं, संसद में विपक्ष के नेता के नाते। अपने जीवन के कुछ खास मुद्दों को पूरा करने के बाद अप्रैल 2015 में श्री कौशल किशोर जी हमसे सदा के लिए दूर हो गए, और रह गई तो बस उनकी यादें और उनके मजबूत इरादे। उन्होंने देश के जाने माने व्यक्तित्व वाले नेताओं और राजनेताओं के साथ मिलकर देश की उन्नति और प्रगति की राह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और साथ ही अपना संपूर्ण जीवन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा और मानवता के हित में दे दिया। श्री कौशल जी की किसी भी कार्य के प्रति लगन, सेवा भाव तथा समाज की समस्याओं के खिलाफ जूझने की शक्ति आज की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कौशलम फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिससे उनकी कार्य व समय प्रबंधन जैसी नीतियां आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और बेहतर सीख बन सके। कौशलम फाउंडेशन का निर्माण कौशल विकास, सामाजिक उद्यमिता, बाल उत्थान, बाल शिक्षा, बाल एवं महिला विकास, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर किया गया, जिससे श्री कौशल जी द्वारा किए गए कार्य व देखे हुए सपनों को विराम ना मिले और निरंतर उनकी यादों के साथ देश का उत्थान व देश की प्रगति होती रही। I think it is the right time to use some of his material and some of his inspiration to inspire the youth of India to become like him and take an active participation in community change and community development in a much more positive way. So that's the one thing we want to do. So we have formed a foundation on his name, which is called Kaushalam Foundation. And our immediate goal is to empower people like him, and I call them social entrepreneurs, because these are the people who are creating impact in the community through their personal efforts, but making an impact which is largely for the public. So we want to help those kind of organization people by giving them the right tools, raising funding for them at international level, provide them global funding, and show them the right way how to take any of these social projects, make them successful and impact the community at large. श्री कौशल किशोर जी की समाज व देश के प्रति संपूर्ण निष्ठा पर देश का प्रत्येक नागरिक गर्व करता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर असली इंसान वो ही होता है जो दूसरों के लिए जीता है।